हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत डोरमेट की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो इसे मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बनाना बताऊँगी। देखिए बहुत ही खूबसूरत है ये। देखिए दो कलर का मैंने बनाया हुआ है, रेड और ब्लू कलर में। आप यहाँ पे मल्टी कलर यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पुरानी साड़ी और दुपट्टे से भी बना सकते हैं, बनाने में बहुत ईजी है। अभी हमने यहाँ पर इसके स्टिचिंग नहीं की है, तो इसकी सिलाई अभी हमें करनी है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर का ऊन लिया हुआ है, ब्लू कलर लिया है और पीच कलर। देखिए नीले कलर का मैंने यहाँ पे थ्री प्लाई, दोनों थ्री प्लाई का ऊन लिया हुआ है यहाँ पे। और नौ नंबर की मैंने सिलाई यूज की हुई है, क्योंकि थ्री प्लाई की ऊन है तो थोड़ी मोटी हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नौ नंबर का सिलाई यूज किया है। अब आपने क्या करना है, देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे, मैं 24 फंदे का आप लोगों को बता रही हूँ। आप साड़ी से बना रहे हैं तो 36 फंदे का बना सकते हैं। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे 24 फंदे डालने के बाद 6 सिलाई की नीटिंग कर ली है, दोनों साइड से उल्टी उल्टी, दोनों साइड से उल्टी उल्टी नीटिंग कर ली है, बुनाई कर लिया हमने यहाँ पे 6 सिलाई का सादा एकदम 24 फंदे डाल के। अब हम क्या करेंगे, देखिए पीछे की साइड आ गए हैं, तो 6 सिलाई बुनने के बाद हम यहाँ पे सेकेंड कलर लगाएंगे। तो सेकेंड कलर लगाएंगे और यहाँ पे देखिए, हम फंदे को यहाँ पे तीन फंदे को हम घटाएंगे। यहाँ पे देखिए दो का एक करेंगे, फंदा कैसे घटाएंगे हम यहाँ पे देख लीजिए आप लोग केयरफुली। तो यहाँ पे पहले हम सेकंड कलर लगा लेते हैं। ये देखिए एक फंदा हमारा घट गया यहाँ पे। सॉरी, हमने यहाँ पे फंदे, देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर का ऊन लिया हुआ है, नीला और लाल कलर। देखिए यहाँ पे रेड और ब्लू कलर हमने लिया हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत ऊन है, इसको मैंने नौ नंबर से बनाया। थ्री प्लाई का ऊन है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नौ नंबर का सिलाई यूज किया है। नौ नंबर की सिलाई लेने के बाद हमने यहाँ पे 24 फंदे डाले हुए हैं। 24 फंदे लेने के बाद 6 सिलाई की हमने दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुनाई कर ली, दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन लाइन बनी है, यानी हमने यहाँ पे 6 सिलाई बुना हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे हमारी तीन लाइन बनी है। अब हम पीछे की साइड आ गए हैं, तो पीछे की साइड से देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन हमने नीली वाली बना ली है, तो यहाँ पे पीछे की साइड से तीन फंदे कम करेंगे। देखिए तो हम इसको दो फंदे का एक कर दिए यहाँ पे, और फिर इस फंदे को इस पे ले जाएंगे, यहाँ पे भी दो फंदे का एक कर दिया। ये देखिए दो फंदे हमने घटा लिए। तीसरा फंदा जब हम यहाँ पे घटाएंगे फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे दूसरा कलर लगा लेंगे। तीसरा फंदा जब हम घटाएंगे तो हम यहाँ पे दूसरा फंदा, सॉरी दूसरा कलर यूज करेंगे। ये देखिए, ये देखिए हम यहाँ पे दूसरा फंदा, सॉरी दूसरा कलर यूज कर लिए। ये देखिए बस, बाकी के फंदे हम ये पीछे की साइड से सेकंड कलर लगाए हैं, सभी फंदे को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए सभी फंदे को हम ना बना लेते हैं यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये कलर जब बैक साइड से लगाया था, तो यहाँ पे हम चार सिलाई बुन लिए हैं, दो सिलाई आगे दो सिलाई पीछे से। देखिए बस, हमने फंदे घटाने के बाद हमने नॉर्मल दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाया है। देखिए ऐसे आप लोगों को दिखा दूं लास्ट वाला, ये देखिए। ये देखिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे इस डिजाइन को। आप इसको पुरानी साड़ी दुपट्टे से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे मेज कवर बनाना चाहते हैं, तो आप इसे कलरफुल ऊन से भी बना सकते हैं। जैसे जो मैं यहाँ पे दो कलर यूज कर रही हूँ, तो आप दो से तीन कलर और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, तीन लाइन यहाँ पे बनी हुई है। ये देखिए एक दो तीन, तीन लाइन यानी 6 सिलाई हमने बुनी हुई है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हमेशा हम 6-6 सिलाई बनाएंगे। अब देखिए पीछे की साइड से फिर हमने ये तीन फंदा कम करना है, तो पहले दो फंदे का एक करेंगे हम यहाँ पे, फिर
इसको इस सलाई पे लाएंगे। यहाँ पे भी दो फंदे को एक साथ बनाया, फिर हमने दो फंदे घटा लिए। तीसरे फंदे में हम यहाँ पे देखिए पीछे की साइड से हम ये सेकंड कलर लगा लेंगे। ये देखिए पीछे की साइड से हम सभी फंदे को बनाकर आगे की साइड आएंगे। आप इसको पुराने स्वेटर को भी उधेड़कर, जो हमारे घर में पुराने पड़े स्वेटर होते हैं उनको भी उधेड़ के आप इसको बना सकते हैं, डोरमेट के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसके फंदे रख सकते हैं। देखिए अब हम आगे की साइड आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है, देखिए पहले फंदे को हम ऐसे को उतार लेंगे। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो उतार भी सकते हैं बुन भी सकते हैं। तो हम यहाँ पे उतार लिए। अब देखिए हम सभी फंदे को बनाएंगे यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, दो लाइन में हमने यहाँ पे ये तीन तीन फंदे कम किए हैं। देखिए तीन इसमें किया, तीन इसमें किया। फिर अब हम यहाँ पे दो सलाई हमने बना लिए, चार सलाई और बने, यानी छः छः सलाई हम इस डिज़ाइन में बना रहे हैं। छः छः सलाई बनाने के बाद पीछे की साइड से हम तीन तीन फंदे कम करते हुए जाएंगे, तो लास्ट में जब हमारे तीन से चार फंदे रह जाएंगे फिर हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, ऐसे ही तीन तीन फंदे कम करते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तीन तीन फंदे घटाते हुए लास्ट में हम तीन फंदे तक पहुँच गए। यहाँ पे देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे तीन फंदा बचा हुआ है और छः छः सलाइयाँ हमने बुना है, आप लोग को स्टार्टिंग से बताया है। और देखिए लास्ट तक बुन लिए। अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारी एक कली कंप्लीट हुई है। अब यहाँ से जो हमने देखिए 28 फंदे हमने सॉरी इसको हमने 24 फंदे में बनाया हुआ है, तो यहाँ से हम 24 फंदे उठाएंगे। चार फंदे हमारे इस पे है और 20 फंदे हमने यहाँ से उठाने हैं। तो देखिए हम यहाँ से ईजली सभी हमारे चैन में दिख रहे हैं, यहाँ से जब आप एक एक फंदे उतार लेते हैं, बुनाई नहीं करेंगे, तो यहाँ से आपके चैन के फंदे दिखते हैं। तो देखिए ये तीन तीन फंदे हमारे एक उसमें बनेगा। तो देखिए चार, पाँच सॉरी चार यहाँ पे हो गया, देखिए चार फंदे, पांच फंदे और एक छः। तो सभी चैन से हम देखिए यहाँ पे क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा, एक एक फंदे हम यहाँ से लेते हुए जाएंगे। देखिए जहाँ पे कम ज़्यादा हो आप अपने हिसाब से फंदे उठा सकते हैं, फंदे का कोई इशू नहीं। बस आपने इतना समझना है कि जितना हमारा फंदा हमने स्टार्टिंग से बनाया था उतना हमारा फंदा रहना चाहिए। देखिए तो देखिए हमारे यहाँ पे टोटल कितने हो गए, तीन छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौक 12। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे तीन तीन फंदे उठाते हुए, देखिए यहाँ पे हम तीन का फंदा सॉरी तीन का पहाड़ा पड़ेंगे, तीन छः, तीन त्रिका नौ, चौक 12, 15, 18, उसके बाद देखिए यहाँ पे 21, 21 फंदे हो गए। तो हमारा टोटल 24 फंदा था, तो यहाँ पे 21 हो गया। तीन फंदा हमारा ये लास्ट का है, जो फंदा हमने ये हमारी सलाई से गिर चुकी है। ये देखिए ये हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे देखिए हम ब्लू कलर से बनाए थे, तो ब्लू कलर से ही हम इसको बुनेंगे, पूरे फंदे को हम ब्लू कलर से बना लेंगे।
तीन पहले का हमारा था वो हो गया और 21 फंदे हमने उठाए हैं। आप अपने हिसाब से फंदे उठाइएगा, कहीं पे कम ज़्यादा हो जाए तो उसका कोई इशू नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बस इतना याद रहे कि हमने जितने फंदे से स्टार्टिंग की थी उतना ही फंदा हमारा रहना चाहिए। तो चलिए हम ऐसे ही पूरे फंदे को ये बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आगे की साइड आने के बाद अब क्या करना है, हम देखिए यहाँ पे ऐसे फंदे को उतारेंगे। हम पहले फंदे को ऊन को अपनी साइड लाएंगे, उसके बाद बाकी के फंदे को हम बनाएंगे। अब फिर हमने यही प्रोसेस बार बार करना है। देखिए यही बार बार हमने रिपीट होगा। अब हम यहाँ पे छः सलाई सादा सादा हम बनाएंगे। देखिए आगे की ये पहली सलाई हो रही है, फिर पीछे से हम जाएंगे ऐसे ही छः सलाई, यानी जब हमारी ये तीन लाइन बन जाएगी उसे हम छः सलाई कहेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं फिर इतना। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे छः लाइन बुन ली है। अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, एक बार और आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये तीन तीन फंदे घटा रहे थे, अब यहाँ पे भी हमने वही करना है। तो यहाँ पे फंदे लेने के बाद देखिए पीछे की साइड से हम यहाँ से नहीं घटाएंगे, हम पीछे की ही साइड से घटाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पे, देखिए अब हम यहाँ पे तीन फंदे घटाएंगे। तो पहले हम दो फंदों का एक करेंगे यहाँ पे, फिर इस फंदे को इस पे ले जाएंगे, इन दोनों फंदों को एक साथ हम बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम इस पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा वाला फंदे में हम कलर जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने रेड कलर यहाँ से लगा लिया। तो तीन फंदे हमारे कम हो गए यहाँ पे। तो हर बारी हमने तीन तीन फंदे कम करने, छः छः लाइन बुनी। अब जितने भी फंदे हैं रेड कलर से हम पूरी रो बनाएंगे, उसके बाद हम आगे की साइड से भी बनाएंगे यही फंदे, जितने भी हैं छः लाइन हम बनाएंगे, फिर लास्ट में आएंगे तो तीन फंदे यहाँ पे कम करेंगे। ऐसे ऐसे ही हमने कम करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट हो गया, हमारी चार कली यहाँ पे बन गई है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये लास्ट में हमारे जब तीन फंदे बच गए थे तो यहाँ पे हमने छः लाइन बुनकर, देखिए छः लाइन बना के फिर हम यहाँ पे फंदे को बंद कर लिए हैं। अब हमारे देखिए चार कली टोटल बनेगी, इसको हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे ले जाके देखिए इसकी स्टिचिंग करनी है। तो कितना सिंपल है फ्रेंड्स, ये देखिए आप इसे टेबल रनर भी बना सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। कि देखिए पूरा बनने के बाद इसका लुक ऐसे आया हुआ है। देखिए अभी इसकी सिलाई हो जाएगी नॉर्मल, पीछे की साइड से हम इसकी सिलाई ऐसे को ले जाके फिर पीछे की साइड से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए पूरा बनने के बाद कुछ ऐसा ये आएगा। तो देखिए आप लोग भी बनाइए, वीडियो को लाइक शेयर करना ज़रूर देखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।